जब से गदर 2 रिलीज हो चुका है तब से एक डायलॉग बहुत ही ट्रेंड में आ चुका है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ये तो सच में है। तो फाइनली ये सबको बताया कि सनी पाजी की इस साल की मार्च मूवी गदर 2 रिलीज हो चुका है 11 अगस्त को, और इसका जितना भी थिएटर में इस मूवी रिलीज हो चुका है सब हाउसफुल अभी चल रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि इस मूवी को लोग देखने के लिए ट्रैक्टर में जा रहे हैं। और अभी गदर 2 का जितना क्रेज है, मेरे को तो लग रहा है कि भाई KGF एंड बाहुबली का भी इतना क्रेज नहीं था। और इसका जो खास बात यह है कि इस मूवी को लोग ट्रैक्टर लेके देखने के लिए जा रहे हैं, एंड जहां पर भी देखो थिएटर की बाहर गदर 2 ही हल्ला मुल्ला हो रहा है। और गाइस देखो, सबसे जो खतरनाक, जो सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि इस मूवी को लेकर पाकिस्तान में अभी बहुत ही उन लोगों का गुस्सा चल रहा है कि वो लोग तो भाई सन्नी पाजी को डायरेक्ट गाली दे रहे हैं, और ये जो गदर को, तो गदर तो वहां पर बयान है, लेकिन भाई इंडिया में जो वीडियोस आता है, जो थिएटर रिएक्शन आता है, पब्लिक की जो रिएक्शन आता है ना भाई, वो देखकर पाकिस्तान के बंदे जल रहे हैं। अगर बात करें कि गदर 2 का कलेक्शन कितना हो रहा है, देखो गदर 2 का कलेक्शन आप सोच भी नहीं सकते हो इतना कलेक्शन हो रहा है। मूवी में माना कि रेटिंग कम मिला है मूवी को, बट लेकिन भाई अभी तक इसका सारे शो हाउसफुल ही जा रहा है। पहला दिन में गदर 2 40 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन किया था। अगर इसको साथ OMG 2 क्लेस नहीं हुआ था, देखो उस तारीख को OMG 2 रिलीज हुआ था 11 अगस्त को, अगर 11 अगस्त को OMG अक्षय कुमार की OMG 2 रिलीज नहीं होता तो गदर 2 का जो पहला दिन का कलेक्शन होता ना भाई 70 करोड़ से भी ज़्यादा होता। और इसका जो अभी की टोटल जो कलेक्शन 4 दिन के अंदर जो कलेक्शन हुआ है भाई, इंडिया में 150 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन हुआ है। और ओवरसीज को मिला के इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है भाई 250 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। इसके लिए तो एक ताली बनता है। और बात करेंगे अगर गदर 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होने वाला है, देखो भाई मुझे जो लग रहा है कि मूवी जो पिकअप ले रहा है, ऑडियंस जिसको थिएटर जा रहे हैं भाग भाग के देखने के लिए, भाई एक बार नहीं 5 बार लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें का जो फाइनल कलेक्शन होने वाला है, जो लाइफ टाइम कलेक्शन होने वाला है भाई 1000 करोड़ से भी ज़्यादा इस मूवी कमाने वाला है। क्योंकि भाई 3-4 दिन के अंदर जो मूवी 250 करोड़ 250 करोड़ से भी ज़्यादा कमा चुका है, तो इसका जो लाइफ टाइम कलेक्शन होगा भी 1000 करोड़ से आगे जाएगा। एंड अभी SR के फैंस और सन्नी पाजी के फैंस लड़ाई लगेंगे, क्योंकि बहुत ही ट्रेंड चल रहा है कि गदर 2 क्या पठान का रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। देखो भाई तोड़ सकता है, जितना क्रेज बढ़ चुका है गदर 2 का, हो सकता है कि ये पठान का रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है, क्योंकि इतने साल बाद एक मूवी आया जिसको बच्चे बूढ़े सब लोग जाके थिएटर में देख रहे हैं भाई, सब लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है कि गदर 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन क्या पठान का लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड को तोड़ सकता है या नहीं, ये मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ।